राम राम जी आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए। आपके अपने YouTube चैनल बदलती सोच हरियाणवी में आप सभी का स्वागत है। तो आज बनाऊ हूँ मैं आलू के परांठे। सोचो कथी खर रहता पर राते की करती टाल। आज फिर आलू के परांठे बनाऊंगी। वे गणेशन हो गए, गणेशन के भी नाए सारा हो गए। लाले परांठे आलू के बनाए तो सिंपल तो नहीं, बीच में बनते रहे सन। तो ये बना चार पांच आलू ले रखे हर ये काट फूट दिए सबे। बिना अपना कुकर में गाल के चार पांच सीटी मरवा लेंगे। बेबे एक बात और अपने बचपन की ये बताऊं सुन याद आएगी। अगमन परांठे कुकर सीखे थे वे बनाने। तो मारे बाणा मैं काका तवा की हम जितनी बाण सा ना उनमें बड्डी से मारे ताऊ की छोरी एक यूं तो वे बेबानी लाले 52-53 साल की आराम तो हो रही होगी। तो जिजुआ एक दिन परांठे ला गई छी धारण। मैं भी चली गई दो रहे तो मैं कहा एक के कर है बोली परांठे तारो सुन। मैं कहा अच्छा क्या के बोली दुप्पड़ के। बेबे उन्हें दुप्पड़ नाम लिया ने। मैं कहा दुप्पड़ के परांठे हूँ सह बोली दे मैं देखाऊंगी मैंने भी सीखे इस। मैं कहा अच्छा अर तक जी दुप्पड़ के ना तो उन्हें कुछ जू करे पहले तो बेबे कम भरया करते आलू उलू तो ये तो पाछा लग गए सा करने। अर तक जुआ के करे एक रोटी बधाई और उस पर अपने घी ला दिया फिर दूसरी बधा कर फिर उस पर टेक दी और वह फिर थोड़ी और बधाई दी। तब भी उन्हें गिरती तवे पर पहले गैस की तो आया करती पहले सब के मारे चूल्हा पर काम होया करता गैस तो बहुत पाछा आई सन। और तब भी उन्हें तार तार के कट्ठे कर रखे गणे। तो मैं कहा अच्छा बेबे इन दुप्पड़ के कौन सा बोली हाँ। अरे बेबे गई थी मैं न्यू के वाह मेरी माँ तो धार से खाया ना करती बेबे मन धार का डंका भी बहुत शौक था। क्यों छोरी उड़ा स्कूल में बैठ कर ना बतलाम थी ना न्यू आम न्यू कर काए आम न्यू कर काए। तब कही मन भी सीखनी चाहिए धार में मेरी माँ तो बोली रही माँ धार से खा दे बोली ना तू और काम कर ले बोली मैं पाठा देगी बाल्टी खंड जा मतलब मेरी माँ ने ना सिखाई धार मेरे ताई। फिर मैं गई मुसी ऊ नाम जो करे ताई सऊ तो निगमत है पर सारे बाल कम कर उन बेके पाचू करा के उन्हें मुसी का आकरा कदे था अरीबी मुसी कहा बे उसने। तो मैं बोली आए मुसी मैं गई मकाई सुपर मुसी कित से बोली बेबे बात है उड़ मैसा दो हजार से सानी सपानी का करण। मैं कहा अच्छा मैं उड़ ये पूछी बेबे के परांठे देख कर न मैं बोली आए मुसी मन दार से खा देगी वहां बोली से खा दूंगी बेटी। और तो बेबे ऊ दौर में जाती पहले उन्हें सिखाई मेरे ताई मुठिया दार काटनी ये गुठिया आड़ी तो पत्थ सीखी से ये तो मैंने सांसरा के सीखी से जी जी। और पर फिर मैं मुठिया दार काटिया करती तो मुठिया बेबे कोई मैस मतलब मुठी ना ना मन चढ़ा जाए दूध न कम देवे ते कि दादी ने बजाए तो क्यों दार काटिया कर नहीं मत काटिया कर नहीं काटिया कर बेबे जे गुठे की सीखी थी। तो बेबे परांठिया तो देखी दारा पर की चली गई। तब बेबे उधर मैंने ये परांठे सीखे थे दुप्पड़ के पहले आता है और ये फिर आलू उलू तो फिर मैं अपने आप लाग गई बेबे ये अकजुकर आलू बाढ़ का बर्कन है तार लिए छोटी सी नहीं सीख लिए थे। तो लिया जी क्यों बना टाइम खेचा एक कर लिया एक वह क्यों कर बनाऊंगी वह भी दिखाऊंगी है। A few moments later. लिया बेबे तार लिया परांठे की तैयारी करू के गेरूंगी वह पाऊंगी थोड़े। तो ये ले रखे बेबे मैंने एक प्याज मैं मिक्स बनाऊंगी प्याज भी गेरूंगी ना आलू हमारे को प्याज ना भी खाता हो ना तो अपना आलू आलू के भी तार लियो। तो ये अपना पति बारीक बारीक दे स्त्रियां दो रखा है चीर चेर के पति ने अपना पतली पतली ये टुकड़े से काटने पति बारीक मोटे नहीं ना तो फिर बेल ध्यान दिक्कत देंगे ये लेकर ध्यान देंगे सहज सहज अपने चीर लेंगे। देख कितने बारीक बारीक इतने बारीक करने हैं ये टुकड़े अरी गेरूंगी दो अरी मेरे चश्मा में जिन और बत्ती चरचरा चाहता हो कोई भी जी के घर में चटपटे खाते हो तो फालतू गेर ले बेबे अब तक कम खा कम गेरूंगी मैं दो ही गेरूंगी अरे एक ले रखी है लाल एक अरी एक बार भी आलू है ना अपने उबाल कर ना दिक्कत मेरे बड़े उबल रहे हैं दिखा दू थे देखो ये देख अपने इसे कति उबाल लिए थोड़े बहुत भी काचे मत रहन दियो मान ले काचे रह जाए चार पांच सीटियां करना कुकर खोल कर देख ले और दो तीन चार कुछ सीटी मरवा ले फिर ये भी नई कटोरे में गाल कर और कति बारीक फोड़ूंगी इन ये बस थोड़े गर्म सजी हाथ तो हो
अरे आप तो मान सीढ़े आलू हो रहे हो तो अपन बढ़िया तरह आप थान साबुन तो साफ करके आप तो वे सूर लो फिर, पर मैं विसराई तय करूंगी वे थोड़े ही गर्म से रोटियां का टाइम हो रहा है 10 बज रही से कति बारीक बारीक कति एक भी मतलब आलू की गांठ नहीं रहनी चाहिए इसमें, गांठ रह जाएगी तो फिर बेलती आने ना दिक्कत देंगी वे परांठा पाटता आने लगा फिर। अरे कुंडी छोटे में कूटो अपना कुंडी छोटे में कूट लियो मेरे मकालू इस तरह ही बात बन जाएगी, कुंडी छोटे में कूटने की जरूरत ना पड़े क्योंकि बढ़िया उबल रही है। अरे आजकल तो खरवे आलू में स्करण का भी आ रहा पर मैं तो ले नहीं रही जीजी यूं झूठ बोली अपना रही तय कर लिया हूं। अरे जैस में तड़का लगा के बनाओ मसाले में अब जीरे में तेल में भूख कने अरे तो बढ़िया ना तनी हो कितना टाइम को न्या तो अपने न्यू का न्यू इसमें जो जो मसाले गेरना चाहो ना वे गेर के और अपनी रोटियां को भर के परांठे तार ले पर मैं तेन छोपूंगी दिखाऊंगी वो भी। One hour later. ले बे दिखाऊ ये मैंने कढ़ाई अदर रखा गैस पर इस पर यो गेरू हूँ जीरा ये गूंद लेगा ना जब इसमें गेरूंगी थोड़ी सी हल्दी और एक चम्मच तो प्याज़ उड़ गेरूंगी सूखा धनिया और थोड़ा वे भी मन जो साबत दो फाड़का कर कदर रखा है न्याराई तो यूं हाथ पर फोमे मसल त्याने न चलने हैं कोई नहीं होती दो फाड़ ये अपने मिक्सी में पीस रखा है थोड़ा दो फाड़ कर रखी है इसकी तो एक चम्मच गेर लिया यू ये भी न गूंद कर न मसाले में कती दिखा देंगे वे सारी चीज थोड़ा है ना टाइम तो लगेगा वीडियो बता दगी पर कोई बात नहीं मान ले कोई बेटी भतीजी कोई शुरू शुरू में बनावे तो नहीं तो अपने के दिक्कत ना आवे बालक में। भूल गया बे बे अरे ये जो प्याज और मेरे चीर रखी ना ये भी न भी गेरा नहीं अरे अपना जो आलू है ना मैश कर रखा है अपने स्वाद के अनुसार गेर लियो बेबे किसान कम तारने हो किसान बत्ती तारने हो तो अपने हिसाब से गेर लियो नून तेरी गेरूंगी गरम मसाला कटोरी में ना काट दूंगी परांठे देखा जी पहले पहले थोड़ी तैयार कर रखी से इनके के दरूंगी ये वे नींबू का अचार है न्यू नाम का से जून सा जी करेगा वो ले लेंगे अरे या कटोरी दही से नमक और जीरा गिर जाएंगे और गैर गल दिए जाएंगे तवा भी गर्म हो रहा है वो कर लिया वे बाहर साइड से
अपना ये मसाला भर देंगे इसमें और दिखाऊंगी तीन डाल के परांठे। ये तो अपने तिकोना परांठा मसाला भर दिया सारे का फैला लियो चम्मच से। बढ़िया तरिया डालता हूँ मैं तेल में, तेल पका रखे बढ़िया तरिया बहुत बढ़िया बना है ना। तो घी के बिता रहा करा राजमा का भाई किसे कमा ले घी ना हो इतना तो कोई दिक्कत ना, तेल में बिता लियो पका देखो कति नहीं पाट रहे ना, ना आलू बाहर लकड़ रहा क्योंकि कच्चा आलू रह जाए फिर वो बेलते हैं ना लकड़ता और बढ़िया उबड़ रहा हो तो लकड़ा को जाए फिर कति। थोड़ी सी धरती ना गड़ी पतली लोई ना गड़ी मोटी अपने बीच से की लोई बना लो। अपने ये ला देंगे तेल बने की जरूरत ना हो। देखो मंदी आंच को देखिए सुथरा हो रहा है, रिव्यू इसमें दूसरी साइड रिव्यू करारी कर लेंगे। इतना अपना ये एक और साइड में तैयार कर लेंगे, इतना ये सेक जाएगा बढ़िया। अरे यो करांगे अपना न्यू में जो कर्पूरी रोटी पालू फला के अरे इसमें एक बढ़िया मोड़ दो और एक बार फिर इसका थोड़ा सा अपना घी या तेल जो भी ले रहे हो यो लगा दो, फिर दूसरी साइड में भी मोड़ दो इस पर और फिर तेल लगा लियो घी लगा लियो जो भी सर ये फिर इसने एक साइड लिया और ये दूसरी साइड लिया ये हो गया चार पूरा का। और अपना थोड़ा सा इस नाप तो पहले इस तरिया कर लियो ताकि ये कून है ना बढ़िया तरिया लकड़िया में और फिर अपना पलोथन लगा के न्यू इसने बेल दिया। तैयार हो गया है इतना चोपड़ का ध्यान इतना ये दूसरा है ना इस पर गिर जाएंगे इतना ही बढ़िया गैस मंदी कर रखी है ना बढ़िया त्रिया की इतना चोपड़ का ध्यान इतना कोई सा खांगे पापा बेटा हूँ पहले मैं भी थाली बन तो होगी से तैयार खा लो तुम भी दूपड़ के परांठे दिखा दो तुम नवे के हो सब दूपड़ के ये करके आपने एक रोटी बेल ली इसने साइड में कर दे और दूसरी लोई और बना के इसने भी अपने न्यू में पतली पतली बेल दो घनी मोटी लेने की जरूरत ना होती बेटा यहाँ इन उस रोटी के साइज भी अपना बता दो जितनी पहले भी बता दो अपनी परात में या चकली के नुए धर के अपना ये जो मसाला आलू से यो इसको फैला दो सारे पे। अरे ये अपनी या रोटी दूसरी ठाई और इसने इसके ऊपर लगा दो बेल थोड़ी देर बता दो इसमें या होगी अपनी दुप्पड़ की इसने फिर अपने नीवे सेक लेंगे घी तेल लगा कर जो भी लगाना हो इतना ऐसा कैसे है बेबे। फिर तुमने एक बात बता दियो एक जो बहुत जरूरी सा आज के टाइम में ये बात करनी बेटा अपनी बाणा ताई बत्ती जिर बेटिया ताई सारिया ताई है बेटा ये बात न्यू मत सोचियो हमारी तो उम्र हो रही से खर 48 के करीब जाकर
पर न्यू को ना भी मारी आण की जो मारे तो छोटे मारे काका अरस है तो उनके बालक से छोटे तो वे तो नेक में बाण लागे बाई लागे तो ये बात उन सब ताई से बेटा और क्यों काम पढ़ाई के साथ साथ से ना अपना घर का काम भी सारा आना चाहिए न्यू नहीं कोई पढ़ाई पढ़ाई में ना इवागला घर की सब जाना हो सब बेटा सब डाल की हूँ अच्छी भी बतेरी हूँ सासू और बेटा एक आध का सोच निका कर ना बदले समय के साथ ही और तवे न्यू ना कहन का मौका मिले अकूडर तन मान ले कोई काम ना और तू बुझ जाए कि वो अपनी सासू तक मम्मी क्यों करोगा माँ क्यों करोगा और तवे टाई का दिखा दिया करे से क्यों तेरी मारा डन के सिखाया को न्या तो बेटी जब ये लफ्ज का नाम पढ़े से ना तो बेटा नहीं सोच ले भीतरले वकील सी चुप जा हूँ देखत जब मारे पास ना ताई कोई के मुका वैसे तो बेटी आई बात कहूँ अपने पढ़ाई के साथ साथ अपना काम भी सीखो और ये तो बेटा समाज का दस्तूर से अपनी और कर और की अपने पर बेटा लुगाइया की है ना सारी सोची वो बदली ना इस माम भी आ रही सब पगा चेकर से सासू बना पाचा जब तो न्यू कह देखना बीजे का ना से बेटी उनकी तो होगी मजबूरी परमात्मा ना दे पर जिनका से उन्नत नहीं सोचनी चाहिए अब भाई मारा जो आई है या भी किसा की बेटी सर मारी किसा का जाएगी वह भी तो मारी ना कोई दुखी रख तो हमने कितना छो उठा है बेटा तो हमने भी वे सोचनी चाहिए अपनी सोच में थोड़ा फर्क लेना चाहिए नुकसान मारे तो भी हो जाए बेटा उतना क्यों नहीं खूब हो जाए सासुआ तक नुकसान ना हो पर वह चीज बर्दाश्त हो जाए पर बहुत नुकसान हो जाए ना उसका वो तंगड़ बढ़ जाए है और पलट का जवाब दे दे तो फिर तो उसकी नुलाले राम कहानी हो जाए फिर तो पाचलें ताई ना अच्छी गुंडी गाल ताई सुननी पड़ जाए है तो बेटिया एक हूँ अपने पढ़ाई के साथ साथ सन है जरूरी से अपने घर के काम भी सीखने और नेक नीति तो रहना छोटे बड़े की इज्जत करना और तबे वे बेटा यो अपना दुप्पड़ का भी परांठा नहीं है सेक दियो तेल त्याल ला के घी ला कर जो करोड़ सेके हैं और वीडियो बनी लंबी बन जाएगी तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सबको बाय।